सॉइल के पिछले लेक्चर में हमने बात की थी डायरेक्ट शीयर टेस्ट और ट्राईएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट के बारे में। अब आज उसी के आगे हम तीसरे टाइप के प्रैक्टिकल की बात करते हैं, जिसमें कि आता है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। तो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट जो है वो ट्राईएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। बस क्या होता है कि हमने देखा था कि ट्राईएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट जो होता है उसमें तीन टाइप की स्ट्रेसेस लगती है, सिग्मा वन, सिग्मा टू और सिग्मा थ्री, ठीक है। लेकिन अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट जो होता है उसके अंदर क्या किया जाता है कि जो कन्फाइनिंग प्रेशर होता है, मतलब कि जो हम साइड साइड से स्ट्रेसेस लगा रहे थे ट्राईएक्सियल वाले के अंदर, वो नहीं लगाई जाती है, ठीक है। खाली जो है वो उसके अंदर सिग्मा वन जो कि सॉइल के सैंपल के ऊपर से लगाई जाती है, वो ही स्ट्रेस इसके अंदर लगाई जाती है, तो वो कहलाता है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि जो साइड साइड में हमने ट्राईएक्सियल वाले टेस्ट के अंदर रबर का मेम्ब्रेन लगाया था और उसके अंदर वाटर को प्रेशर से एग्जर्ट किया था जिससे कि हम साइड से ऐसे कन्फाइनिंग प्रेशर लगा सकें, वो सारा अरेंजमेंट उसमें से हटा दिया जाता है। खाली ऐसा अरेंजमेंट रखा जाता है जिसमें कि हम ऊपर से जो है वो नॉर्मल लोड को लगा सकें। तो उसका जो एपरेटस होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। उसके अंदर क्या होता है कि एक प्रूविंग रिंग लगी हुई होती है। वो रिंग क्या करती है कि हम जो ऊपर से लोड लगा रहे हैं उस लोड को मेजर करने का काम करती है, ठीक है। और जो सैंपल होता है वो सिलेंड्रिकल सैंपल, उसके बीच में रखा जाता है और उस सैंपल को साइड साइड से बिल्कुल भी कवर नहीं किया जाता है, क्योंकि हम उसमें सिग्मा टू और सिग्मा थ्री को नहीं लगाने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन होता है उसको इसके अंदर रखने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है, जो सिलेंडर की, ये जो हमारा सिलेंडर होता है उस सिलेंडर की जो फेस होती है, ठीक है, उसको एकदम स्मूथ नहीं रखा जाता है, जबकि इसकी जो फेस है उसको कुछ इस टाइप से अंदर की तरफ, सेंटर में अंदर की तरफ डीप बनाया जाता है, मतलब कि एक कोन की शेप में इसको अंदर की तरफ गहरा रखा जाता है, ताकि जब इसको सैंपल के अंदर उस एपरेटस में रखेंगे तो जो है वो सॉइल फूलनी नहीं चाहिए, मतलब कि बल्जिंग नहीं होनी चाहिए। तो उस वजह से जो है वो इसके जो दोनों सिरे होते हैं उनमें एक कोन की शेप में थोड़ा सा गहरा गड्ढा कर दिया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर सॉइल के जो सैंपल है हमारा उसके दो टाइप के फेलियर हो सकते हैं। एक फेलियर हो सकता है ब्रिटाइल फेलियर, और एक हो सकता है प्लास्टिक फेलियर, ठीक है। अब दोनों क्या होते हैं, ब्रिटाइल फेलियर का मतलब एकदम से जैसे पत्थर टूटता है उस टाइप से टूटना। तो अगर सॉइल जो है वो काफ़ी स्टिफ है, हार्ड है, ड्राई है, तो उस वजह से वो जो सैंपल होगा वो क्या होगा कि स्टार्टिंग में जब उसके ऊपर लोड लगाया जाएगा तो वो उस लोड को बहुत ज़्यादा हद तक कैरी करता रहेगा, ठीक है। लेकिन एक लिमिट के बाद जैसे ही उसके अंदर लोड एक्सिस में चला जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ से क्रॉस हो जाएगा, तो वो जो सैंपल है वो एकदम से झटके में टूट जाएगा, तो उस फेलियर को हम बोलते हैं ब्रिटाइल फेलियर। तो इस सैंपल में हमारे को देखने वाली बात क्या है कि जो हमारी प्रूविंग रिंग होगी वो एक मैक्सिमम लोड को इंडिकेट करेगी, कि जैसे मान लो अगर ग्राफ से समझें तो धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, लोड बढ़ता जा रहा है, और एकदम से जैसे ही सैंपल फेल होगा तो वो एकदम से ग्राफ नीचे चला जाएगा, तो ये हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ आ गई। तो ब्रिटाइल फेलियर जो होता है उसके अंदर हमको प्रॉपर तरीके से सैंपल ने कितना मैक्सिमम लोड कैरी किया वो हमको पता चल जाता है। लेकिन अगर प्लास्टिक फेलियर की बात करें तो प्लास्टिक फेलियर में क्या होता है कि सॉइल कोई नरम सॉइल हो सकती है, कोई क्ले पार्टिकल्स हो सकते हैं उसके अंदर, जो कि एकदम से अचानक से नहीं टूटता है। तो मतलब कि इस टाइप के फेलियर में हमको कोई भी प्रॉपर तरीके से डिफाइनाइट मैक्सिमम लोड की वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसा कोई लोड नहीं मिलेगा कि भाई हम कह सकें कि इस लोड पर सॉइल फेल हो गई, ठीक है। तो अब हम इसमें सॉइल की स्ट्रेंथ को कैसे लेंगे, कहाँ से मेजर करेंगे, क्योंकि इसमें तो क्या था कि जो ग्राफ का टॉप पॉइंट होगा, पीक पॉइंट होगा, उसको हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ मान लेंगे। लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि क्योंकि हमको कोई भी डिफाइनाइट मैक्सिमम लोड की वैल्यू नहीं मिलती है, तो हम क्या करते हैं कि 20% स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग
जो लोड की वैल्यू होगी वो हमारा हो जाएगा फेलियर लोड। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि विकृति जब 20% होगी, स्ट्रेन जब 20% होगी, तो उस 20% स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग सॉइल की कितनी स्ट्रेंथ आई, उसने कितना लोड लिया, वो हमारी स्ट्रेंथ को हम मान लेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर कि ओनली जो है वो हम यहाँ पर सिग्मा वन ही लगाते हैं, ठीक है, बाकी जो है वो दूसरी सिग्मा टू और सिग्मा थ्री तो ज़ीरो हो जाती है। तो जो हमारे पास इक्वेशन होती है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की, वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, सिग्मा वन इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा थ्री टेन स्क्वेयर अल्फा प्लस टू सी टेन अल्फा, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास होता है। और यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू होती है, वो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, ये होती है अल्फा की वैल्यू 45 प्लस 5 बाई टू। तो अब हम यहाँ पर देखें कि एक तो हमारी सिग्मा 3 की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो, क्योंकि कन्फाइनिंग प्रेशर ज़ीरो है, मतलब कि ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, सिग्मा 3 यहाँ पर ज़ीरो हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, सिग्मा 1 इक्वल टू 2C टेन 45 प्लस 5 बाय टू, ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर फाई की वैल्यू को ज़ीरो मान लेते हैं, और क्यों मान लेते हैं, क्योंकि जो सैचुरेटेड क्ले होती है, सैचुरेटेड क्ले के लिए एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू होती है ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पर हमको फाई को ज़ीरो करना है, क्यों करना है, क्योंकि सैचुरेटेड क्ले के लिए फाई की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो यहाँ से हमको ये भी बात पता चलती है कि ये जो टेस्ट होता है वो ओनली हम सैचुरेटेड क्ले के लिए ही कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमको क्या होता है कि दो वैल्यूज़ अननोन होती है, सी और फाई, और फाई को हमको यहाँ ज़ीरो करना होता है ताकि हम यहाँ पर किसी एक की वैल्यू को निकाल सकें। और उसके लिए हम इस टेस्ट को ओनली सैचुरेटेड क्ले के लिए ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसके लिए फाई की वैल्यू होती है ज़ीरो। तो यहाँ पर अगर फाई की वैल्यू को ज़ीरो कर दें तो आ जाएगा 2C10, फाई की वैल्यू 0 हो गई तो 1045 हो गया, और 1045 की वैल्यू होती है 1, तो इस पूरे की जगह 1 आ गया, तो खाली हमारे पास बचा सिग्मा 1 इक्वल टू 2C। और यहाँ से अगर C की वैल्यू को लिखना चाहो, सिग्मा 1 इक्वल टू 2C, और यहाँ से अगर C की वैल्यू को लिखना चाहो तो वो हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2, कोहेशन की वैल्यू आ गई मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक बात और समझते हैं कि क्योंकि हमारे पास सिग्मा 3 की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो होती है, तो उसके लिए जो हम मोहर सर्कल बनाएंगे, तो मोहर सर्कल जो बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है। और उस मोहर सर्कल के अंदर यहाँ से ये जो डिस्टेंस होती है वो होती है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस यानी कि सिग्मा 3, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है सिग्मा 1। तो यहाँ पर हम देखें तो सिग्मा 3 कितना होता है, ज़ीरो होता है, मतलब कि जो हमारा मोहर सर्कल होगा वो डायरेक्ट ओरिजिन से ही बनना चालू होगा। तो मोहर सर्कल जो बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, और ये हमारी हो जाएगी सिग्मा 1, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा 3 जो है वो 0 है। तो ये भी ध्यान रखना है कि अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट के अंदर मोहर सर्कल जो होता है वो ओरिजिन से बनना शुरू होता है, क्योंकि सिग्मा 3 की वैल्यू 0 होती है। तो इसका जो फेलियर एनवलप बनेगा वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी कुछ इस टाइप से, ठीक है। और ये वैल्यू जो होती है वो होती है कोहेशन, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। तो यहाँ पर अब हम देखें तो कोहेजन की वैल्यू कितनी होगी, तो हमने यहाँ पर निकाली कोहेजन की वैल्यू होती है सिग्मा 1 अपॉन 2, लेकिन यहाँ पर भी हमको कन्फर्म हो रहा है। कैसे कन्फर्म हो रहा है, देखिए ये एक हाफ सर्कल बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये सिग्मा 1 है, मतलब इसका डायामीटर, तो ये कितना होगा, रेडियस सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और ये भी तो रेडियस ही है सर्कल की, ये भी कितनी होगी, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये किसके बराबर है, सी के बराबर है, तो सी इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 2।
तो एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट के अंदर जो मोहर सर्कल बनता है उसकी रेडियस कितनी होती है, ठीक है, तो वो भी हमको आंसर देना है। रेडियस होती है उसकी सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 2। और एक और बात, ये जो टेस्ट होता है हमारा, उस टेस्ट को हम सेंसिटिविटी को फाइंड करने के लिए, सॉइल की सेंसिटिविटी क्या होती है वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है, सॉइल की सेंसिटिविटी को फाइंड करने के लिए भी अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं वेन शीयर टेस्ट के बारे में। तो वेन शीयर टेस्ट जो होता है वो फील्ड और लेबोरेटरी दोनों का मेथड है, दोनों जगह उसको यूज़ किया जा सकता है। और इस टेस्ट को अनड्रेन्ड कंडीशन में ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ कोहेजिव सॉइल के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। अब इस टेस्ट के अंदर होता क्या है, इस टेस्ट के अंदर कुछ इस टाइप से दिखने वाला एक प्लस की शेप में मेटल का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि चार ब्लेड्स होती है, ठीक है। और ये चारों ब्लेड्स जो होती है वो एक मेटल की रॉड से कनेक्टेड होती है। इन मेटल की रॉड के यहाँ पर ऊपर की तरफ टोर्शन को मेजर करने के लिए टोर्शन मेजरिंग स्प्रिंग लगाई हुई होती है, ठीक है। ये कैलिब्रेटेड स्प्रिंग होती है यहाँ पर जो कि टोर्शन को नापने का काम करती है, और साथ ही साथ इसमें रोटेशन को नापने के लिए एक डायल गेज भी लगा होता है, ठीक है। अब इसका काम कैसे होता है, वर्किंग कैसे होती है, तो क्या किया जाता है कि इस पूरे एपरेटस को सॉइल के अंदर धसा दिया जाता है प्रेशर से, ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि ये चारों ब्लेड जो होगी वो सॉइल के अंदर तक धस जाएगी। फिर क्या होगा कि इसके ऊपर एक हैंडल होता है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो कुछ अरेंजमेंट होता है जिससे कि इस पूरे एपरेटस को सॉइल के अंदर धसा कर उसको घुमाया जाता है, ठीक है। तो उसको घुमाने से क्या होगा कि जो इसकी ब्लेड्स की किनारे हैं वो सॉइल को शीयर करना चालू कर देगी, और सॉइल जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में, इतनी इतनी शेप में शीयर होने लग जाएगी चारों तरफ से, ठीक है। तो सॉइल को शीयर करने के लिए जो है कितना हमको फोर्स लगाना पड़ रहा है वो जो कौन मेजर करेगा, उसको मेजर करेगा टोर्शन मेजरिंग स्प्रिंग। मतलब कि हमको अगर कोई सैंड है उसके अंदर अगर इस इंस्ट्रूमेंट को घुसा कर धसा कर और उसको घुमाया जाए तो वो आसानी से घूम जाएगा, लेकिन अगर कोई स्टिफ सॉइल है तो उसके अंदर इसको घुमाने में काफ़ी हमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो सॉइल जो है वो कितना रेजिस्टेंस दे रही है, कितना उसको घूमने से रोक रही है, उसको कौन नापेगा, यहाँ पे जो टोर्शन मेजरिंग स्प्रिंग लगी हुई है वो नापेगी। तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, टोर्शन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद इसको जो रोटेट कराया जाता है, इसको रोटेट कराने की जो रेट होती है वो होती है 1 डिग्री पर मिनट। 1 डिग्री पर मिनट की रेट से इसको रोटेट कराया जाता है, और कितना टोटल ये रोटेट हुआ उसको नापने के लिए हमने यहाँ पर डायल गेज एक लगाया हुआ है, ठीक है। तो उससे हमको टॉर्क मिल गया और रोटेशन मिल गया। फिर इस टॉर्क और रोटेशन को लेकर हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले से हम इसकी सॉइल की शीयर स्ट्रेंथ को निकाल सकते हैं। सिंपल सा टेस्ट है, कम समय लेता है। इससे पहले हम इसके कुछ मेजरमेंट्स लिख देते हैं कि जो एपरेटस होता है उसकी क्या क्या डायमेंशंस होती है। तो अगर हम लेबोरेटरी वाले की बात करें तो उसकी हाइट होती है, लेबोरेटरी एपरेटस की हाइट होती है 20 mm, उसका डायामीटर होता है 12 mm, और उसकी थिकनेस होती है 0.521 mm। ये जो थिकनेस है वो इन प्लेट्स की मोटाई है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम फील्ड वाले की बात करें तो फील्ड का जो एपरेटस होता है वो, उसकी हाइट होती है 10 to 20 cm, डायामीटर होता है इसका 5 to 10 cm, और थिकनेस होती है 2.5 mm, ठीक है। ये इसकी डायमेंशन से उसको याद रखना है। अब यहाँ पर हम देखें तो जो टॉर्क आ गया और हमारे पास रोटेशन आ गया, उससे हम शीयर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, तो उसका हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। तो वो फॉर्मूला क्या आता है,
टी इक्वल टू पाई डी स्क्वेयर टाउ एफ एच बाय टू प्लस डी बाय सिक्स, और एक फॉर्मूला आता है पाई डी स्क्वेयर टाउ एफ एच बाय टू प्लस डी बाय ट्वेल्व। अब ये दो फॉर्मूले क्यों दिए हुए हैं हमको, तो ये जो दो फॉर्मूले हैं वो कब लगाने हैं, अगर इस एपरेटस को पूरी तरीके से सॉइल के अंदर धसा दिया गया है कि इसकी जो ऊपर वाली एजेस है वो भी सॉइल के अंदर चली गई है, तब ये वाला फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, मतलब कि बोथ बॉटम और टॉप फेस जो है वो दोनों सॉइल का शेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम इस एपरेटस को इतना धसाएं कि इसकी जो बॉटम फेस है वो तो सॉइल के अंदर धस जाए लेकिन ऊपर वाला जो किनारा है वो बाहर रह जाए सॉइल के, तो वो उस कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर 12 आ जाएगा खाली। तो ये था हमारा वेन शीयर टेस्ट। इसके बाद हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन और आती है, उसको ध्यान में रखना है कि हमने यहाँ पर एक वैल्यू पढ़ी थी फाई, सभी प्रैक्टिकल्स में फाई आ रहा था। क्या होता है वो, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। इसकी जो वैल्यू होती है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है सॉइल पार्टिकल्स उनकी साइज के ऊपर, उनके शेप के ऊपर और उनके ग्रेडेशन के ऊपर। इनके ऊपर हमारा फाई डिपेंड करता है। अगर हमारे जो पार्टिकल्स है सॉइल के वो लार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है, अगर उसका शेप जो है एंगुलर शेप है और उसका जो ग्रेडेशन है वो वेल ग्रेडेड है, तो हमारी फाई का मान जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर सॉइल के पार्टिकल जो हैं वो स्मॉल है, राउंडेड शेप है और यूनिफॉर्मली अगर ग्रेडेड है तो हमारे जो फाई की वैल्यू है वो कम होगी। ये बात हमको ध्यान रखनी है।